देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। ये सीए आने के बाद किस प्रकार से दल के नेताओं ने देश के अंदर आग लगाने का काम किया, मुसलमानों को भड़काकर देश में तोड़फोड़ और एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का काम किया, उसको उन्होंने बताने का काम किया। क्योंकि सीए ऐसा विषय है कि देश को किसी भी व्यक्ति के मन में तो भ्रम ही नहीं होता, ये तो भ्रम फैलाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहीं भी सीए के बारे में कहीं भी गए हैं, इस पर कोई हमारे पत्रकार भाइयों ने भी कोई प्रश्न उस पर नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अस्पष्ट हैं। ये नागरिकता देने का है, देने का नहीं, इसलिए तो कोई मामला ही नहीं है। लेकिन क्योंकि धारा 370 35 से अयोध्या में राम मंदिर सारे मार्ग प्रशस्त हो गए और कोई देश के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इससे हमारे विपक्ष के लोग बौखलाए हुए थे। इन्होंने 70 सालों से वोट बैंक की राजनीति किया है, उन्हें लगा कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी और इसीलिए इस तरह का वातावरण निर्माण करवाया गया। अच्छा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक नहीं चुना हुआ है, कल से सत्र भी शुरू हो रहा है, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, समय पर हो जाएगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।